नमस्कार मित्रों, हिस्ट्री रिसर्च पॉइंट पर आप सभी का स्वागत करता हूँ। एनसीईआरटी की सीरीज चल रही है और एनसीईआरटी कक्षा 11 विश्व इतिहास के कुछ विषय चैप्टर है मंगोल साम्राज्य या यावर साम्राज्य। यह जो भी सीरीज चल रही है बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। जो भी लोग यूपीएससी परीक्षा यूपीएससी तैयारी कर रहे हैं, स्टेटपीसी तैयारी कर रहे हैं, यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं, या फिर बीपीएससी पीजीटी के लिए जो जिसके लिए मैं यह कोर्स लॉन्च किया हूँ, तो बीपीएससी पीजीटी वाले जो भी लोग तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए सीरीज काफी महत्वपूर्ण है। पूरा का पूरा एनसीईआरटी आप लोग का कंप्लीट कराया जाएगा। पूरी पूरी हिस्ट्री आप लोगों की तैयारी 1 ईयर सब्सक्रिप्शन के साथ 1499 रुपए की सीरीज है। ये 1 ईयर सब्सक्रिप्शन में आपको बीपीएससी पीजीटी TRE 3 का भी और TRE 4 का भी, ठीक है, पूरा टीजीटी पीजीटी जूनियर की तैयारी कराई जाएगी। इतना ही नहीं, KBS NBS SSB जो भी वैकेंसी निकलेगी 1 ईयर तक सबकी तैयारी इसी फीस पे कराई जाएगी। इसकी फीस आपकी 1499 रुपया है। जो भी लोग इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं ज्वाइन कर सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है और यहाँ पर भी शो हो रहा है 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। टेलीग्राम आप सभी लोग ज्वाइन कर लें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है टेलीग्राम का। तो आइए, आज लेक्चर संख्या 12 आप लोग के सामने है, मंगोल साम्राज्य। हम मंगोल साम्राज्य के बारे में बता रहे हैं और जो यह कक्षा 11 का विश्व इतिहास की कुछ विषय पुस्तक का यह आपका चैप्टर है, यावर साम्राज्य। बहुत ही बढ़िया सीरीज है। बीपीएससी पीजीटी के प्रति जो भी लोग गंभीर हैं, सीरियस हैं, वह लोग हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। इसमें मैं आप लोग को कक्षा 6 से लेकर 12 तक का पूरा नोट्स आप लोग को दूंगा, पूरा पीपीटी नोट्स दूंगा। और कक्षा 11-12 का मैं परीक्षा होने तक, मार्च में आपकी परीक्षा है, मार्च तक में परीक्षा होने तक आप लोग को पूरी की पूरी सामग्री मिल जाएगी। कक्षा 11-12 का हर चैप्टर का मैं ऐसा ही नोट्स दूंगा जो जो आपको नोट्स मिल रहा है। बहुत ही शानदार, बहुत ही बोधगम्य यह सारा नोट्स है। सारी सारी पीपीटी पावर पॉइंट में आपको सारे नोट्स आपको मिलेंगे, ठीक है। टेस्ट सीरीज भी मिलेगी, हर चैप्टर की टेस्ट सीरीज मिलेगी, हर चैप्टर के आपको पीपीटी नोट्स मिलेंगे, हैंड रिटेन नोट्स मिलेंगे, वन लाइनर सीरीज मिलेगी और लेक्चर वीडियो मिलेंगे, प्लस उसके भी नोट्स मिलेंगे। तो जो भी लोग इस सीरीज को ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा। आइए शुरुआत करते हैं। तो हम लोगों ने यावर साम्राज्य को हम पढ़ा रहे थे और इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइए, बीपीएससी पीजीटी हिस्ट्री लेक्चर्स के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, आप लोग उसे देखिए। यायावर के बारे में हमने बता दिया था। यायावर का मतलब खानाबदोश होता है, जंगली लोग जो खानाबदोश है उन्हें यायावर कहा जाता है। यायावर साम्राज्य के ऐतिहासिक स्रोतों के बारे में हमने बताया। बर्बर शब्द जो यूनानी भाषा के बारबरोस शब्द से लिया गया है, जिसका तात्पर्य होता है गैर यूनानी लोग। दरअसल यूनान पे जब आक्रमण किया था मंगोलों ने, तो यूनानी लोग यह शब्द मंगोलों को दिए थे, बर्बर, ठीक है। मंगोलों की सामाजिक स्थिति, मंगोलों का जो सामाजिक स्थिति था तो क्या कैसा था, ये लोग खानाबदोश थे, चरवाहे लोग थे। और इसमें इसमें दो लोग महत्वपूर्ण थे, एक शिकारी और एक पशुपालक। पशुपालक जो थे थोड़े अमीर थे शिकारी की अपेक्षा, उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी थी पशुपालकों की। और वह क्या करते थे, पशुओं को पालते थे, भेड़ बकरी ऊंट आदि को पालते थे और वह चारागाहों में उनको चराते थे, ठीक है। और शिकारी जो थे संग्राहक थे और वह जंगली उत्पाद पर निर्भर रहते थे और वह पशुओं का शिकार किया करते थे। साइबेरिया के बनों में शिकारी लोग रहा करते थे कुल मिलाकर। और यह इन लोगों का जो मंगोलों की सामाजिक स्थिति थी, वो अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे और एक कबीला दूसरे कबीले पर आक्रमण करता था, ठीक है। तो यही सब बातें थी। फिर यायावर समाज की विशेषताओं के बारे में भी हमने अच्छे तरीके से आप लोगों को एक्सप्लेन कर दिया हूँ। बुखारा पर कब्जा, जब मंगोल जो थे बुखारा, ईरान का एक शहर है बुखारा, बुखारा पर कब्जा किए थे तो बहुत ही भीषण रक्तपात मचाया था और ईरान की 75% आबादी 75% आबादी साफ हो गई थी। इतना कत्लेआम मचाया था चंगेज खान ने, ठीक है। और वहीं पर उसने कहा था कि अरे लोगों तुम्हें ज्ञात है कि तुम लोग बहुत पाप किए हो, और तुम लोग पाप न किए होते तो ईश्वर ने मेरे तुम्हारे पास मुझे भेजा ना होता, तो तुमको दंड देने के लिए आया हूँ। और इस तरह से ईरान की 75% आबादी उसने साफ कर दी। मंगोलों के सैनिक प्रबंध के बारे में हमने बताया था कि मंगोल का जो सैनिक होता था, मंगोल जो सैनिक होते थे वो स्वस्थ होते थे, वयस्क होते थे, हथियारबंद और घुड़सवार होते थे, कुल मिलाकर एकदम जबरदस्त एकदम पूरे बहादुर सैनिक होते थे मंगोलों के, ठीक है। और जो सेना में भिन्न भिन्न जातियों के भिन्न भिन्न कबीले के सैनिक होते थे, मंगोलों के सैनिक तंत्र में तुर्की भी शामिल थे, तुर्की जाति के लोग भी शामिल थे। और मंगोलों का जो सैनिक प्रबंध था वो दशमलव प्रणाली पर आधारित था, उसी दशमलव प्रणाली को मुगलों ने अपनाया था। दशमलव प्रणाली का मतलब यह है कि 10 सैनिक का एक सरदार, फिर 10 सरदारों का एक और बड़ा सरदार, फिर 10 बड़े सरदारों का एक और सबसे बड़ा 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 सरदार, ठीक है। इस तरह से दशमलव पद्धति पर मंगोलों का सैनिक तंत्र था।
और सबसे बड़ी जो इकाई थी, सबसे बड़ी यूनिट जो थी सेना में, वह 10,000 सैनिकों की थी। ठीक है, तो हम लोगों ने मंगोलों के सैनिक प्रबंध को देख लिया था। अब शुरुआत करते हैं, कैसा था मंगोलों का शासन प्रबंध, मंगोलों का शासन प्रबंध कैसा था भाई, किस तरह से वह शासन करते थे, उनका शासन प्रबंध कैसा था, उसे देख लेते हैं। तो देखिए, 13वीं सदी के मध्य तक क्या 1250, ठीक है, 13वीं सदी के मध्य तक मंगोल एक एकीकृत जनसमूह के रूप में उभर कर सामने आए थे। इसे थोड़ा चेंज कर लेते हैं, देखिए 13वीं सदी के मध्य तक मंगोल एक एकीकृत जनसमूह के रूप में उभर कर सामने आए थे और उन्होंने एक विशाल साम्राज्य का निर्माण किया। दरअसल मंगोल जो थे अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे, अलग अलग शाखाओं में बटे हुए थे, और 13वीं सदी के मध्य तक जब चंगेज खान उनका सरदार हो गया, दरअसल चंगेज खान जो था ना एक सरदार का बेटा था और उसके पिता का डेथ हो जाता है जब वह 10 साल का रहता है, तो उसके पिता का डेथ हो जाता है चंगेज खान का, खान के पिता का, और वह चाहता था, चंगेज खान चाहता था 10 वर्ष की उम्र में चंगेज खान सरदार बनना चाहता था अपने कबीले का, ठीक है, लेकिन उसके कबीले के लोग उसे सरदार नहीं मानते हैं और सरदार नहीं बनाते हैं, और बहुत ही कठिनाई से गुजरा था चंगेज खान का जीवन, लेकिन बाद में वह ऊपर उठा और एकदम ऊपर उठता ही गया। ठीक है, तो 13वीं सदी के मध्य तक मंगोल एक एकीकृत जन समूह के रूप में उभर कर सामने आया था। तो मंगोलों को एकीकरण करने का कार्य किसने किया था, चंगेज खान ने किया था। ठीक है, और उसने विशाल साम्राज्य का निर्माण किया जिसे दुनिया ने पहले कभी नहीं देखा था, और शायद ही पहले ना देखा हो यार, जो करोड़ों करोड़ों लोगों को मरवा दिया। ठीक है, चंगेज खान, उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर शासन किया, लेकिन चंगेजों जो मंगोल लोग थे वह शासन किस पर करते हैं, यूरोप पर करते हैं, एशिया में करते हैं, मतलब अन्य समाज में, वह मंगोल जो थे अन्य समाज के थे, अलग समाज के थे, और जो शासन किए थे वह अलग अलग समाज के लोग थे। तो उन्होंने अत्यंत जटिल शहरी समाजों पर उसने शासन किया, और ये लोग खानाबदोश थे, और ये लोगों ने शासन किस पर किया था, शहरी समाज पर शासन किया था। ठीक है, जिनकी अपने इतिहास, संस्कृतियां और नियम थे। ठीक है, हालांकि मंगोलों का अपने समाज के क्षेत्रों पर राजनीतिक प्रभुत्व रहा, फिर भी संख्यात्मक रूप से भी अल्पसंख्यक रहे, मतलब जहां वह शासन किए थे वहां वह अल्पसंख्यक थे, लेकिन फिर भी वह शासन किए भाई, जो जितना मजबूत रहेगा ठीक है वह शासन करेगा ही। देखिए चंगेज खान की फोटो है, और देख सकते हैं चंगेज खान कितना लंबू सा लग रहा है, लेकिन आपको नहीं पता है यह आतंकी, मतलब करोड़ों करोड़ों लोगों को मरवा दिया, लेकिन हाँ इसके आतंक का जो बीज है, इसका आतंक भारत में नहीं देखा गया, यह भारत में नहीं आया, इसका प्लान था कि वह भारत पर आक्रमण करे। दरअसल जब यह ईरान पर आक्रमण किया था तो ईरान के शाह का एक बेटा था, ठीक है, जलालुद्दीन मंगबरनी, तो जलालुद्दीन मंगबरनी भागता 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 सिंध तक आया, और वह भारत में शरण लेना चाहता था। उस समय भारत में सुल्तान जो था इल्तुतमिश था, लेकिन इल्तुतमिश ने चंगेज खान के भय से इल्तुतमिश ने मंगबरनी को की सहायता नहीं की, और अंततः मंगबरनी लौट गया। तो चंगेज खान भी खुश हुआ, चलो भाई ठीक है, उसने सहायता नहीं किया तो वह चंगेज खान भी भारत पर आक्रमण नहीं किया, नहीं तो चंगेज खान का प्लान था कि वह दिल्ली पर आक्रमण करे, और दिल्ली पर आक्रमण करते हुए फिर लूट मार करते हुए फिर वह दिल्ली पर आक्रमण करते हुए वह ऐसे मतलब कि पूर्वोत्तर भारत की तरफ निकल जाए, ठीक है, और चीन में निकल जाए, अपने देश में मंगोलिया, ठीक है, तो ये उसका पूरा प्लान था। देखिए चंगेज खान के बारे में, देखिए तो चंगेज खान का जन्म कब हुआ था, 1162, यह 1162 वाली तिथि जरूर ध्यान में रखिएगा, 1162 में चंगेज खान का जन्म होता है, और मंगोलिया में इसका जन्म होता है, प्रारंभिक नाम था तेमुजिन। देखिए चंगेज खान का बाद में नाम पड़ता है चंगेज खान, दरअसल चंगेज खान का प्रारंभिक नाम था तेमुजिन, इसे चंगेज खान इसका नाम क्यों पड़ा, इसके कबीले के लोग खुश होकर इसको एक नाम दिए थे चंगेज खान। चंगेज खान का शाब्दिक अर्थ होता है समुद्र खान, विशाल समुद्र, इसका शाब्दिक अर्थ है विशाल समुद्र या समुद्र खान, ठीक है, तो इसका प्रारंभिक नाम था तेमुजिन और बाद में इसका नाम चंगेज खान पड़ा। 1206 में शक्तिशाली, 1206 में यह ऊपर उठना कोशिश किया, 1206 में, तो 1206 में इसने शक्तिशाली जनुका और नेमन लोगों को निर्णायक रूप से पराजित करने के बाद तेमुजिन स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभरा। तो 1162 में तेमुजिन का जन्म होता है मंगोलिया में, और 1206 में यह दो जातियों को पराजित करता है, जमुका और नेमन,
जमुका और नेमन लोगों को पराजित करता है 1206 में, ठीक है। पराजित करने के बाद तिमुजीन जो है स्टेपी क्षेत्र की राजनीति में सबसे प्रभावशाली व्यक्ति के रूप में उभर कर सामने आया, ठीक है, जब वो जमुका और नेमन लोगों को पराजित किया था, ठीक है। तो वहां के लोगों ने इसको चंगेज खान या समुद्र खान या सार्वभौम शासक की उपाधि दी। तो चंगेज का मतलब ये होता है समुद्र खान या सार्वभौम शासक या विश्व शासक, ऐसा कह सकते हैं, ठीक है। और यह मंगोलों का महानायक घोषित हो गया, चंगेज खान मंगोलों का महानायक घोषित हो गया। अच्छा, यह देखिए अब हम इसकी जाति पर आते हैं। चंगेज खान क्या था भाई? मुसलमान था। जो लोग मुसलमान सोचे हैं वो मूर्ख है। चंगेज खान को, चंगेज खान मुस्लिम नहीं था। चंगेज खान की जो जाति थी वह ताओ जाति को मानता था, ताओ जाति, ठीक है, ताओ धर्म को मानता था, ताओवाद को मानता था। और ताओवाद के जो लोग होते हैं वह जैसे आकाश की तरफ हमेशा देखते हैं और आकाश की पूजा करते हैं, ताओवाद, ठीक है। तो उसको उसको उसका मानने वाला चंगेज खान था। अभी अब खान क्यों था तो मैं आपको बता दूं, आज बड़े गर्व के साथ लोग खान लिखते हैं, बहुत सारे लोग लिखते हैं ना खान। आपको दरअसल यह बता दूं, कहने में बुरा लगेगा लिखने है बात सोचिएगा, ये जो खान शब्द है ना, खान किसी जाति का किसी धर्म का नाम नहीं है, खान एक प्रतिष्ठा का नाम है, पद का नाम है, ठीक है। तो मंगोल जो लोग थे वह अपने सरदारों को खान कहा करते थे, जो उनके सरदार होते थे खान कहा करते थे। और मंगोल लोग चंगेज को तिमुजिन को चंगेज खान की उपाधि दिए थे, चंगेज खान की उपाधि दिए थे, ठीक है। अब देखिए वही चंगेज खान है, ईरान है, तुर्की है, सीरिया है, वहां वहां जाकर आक्रमण किया और लाखों करोड़ लोगों को मरवाया, उनकी बहु बेटियों का इज्जत उतार लिया। और वही चंगेज खान उसी के पद को अरबी लोग, फारसी लोग, ईरानी लोग, इराकी लोग उसी के पद को अपने में धारण कर लिए, खान बन गए। तो इसको लेकर बहुत सारे लोग बहस उड़ाते हैं, भैया आप कहां से खान हो गए, क्या 4 करोड़ के बीच में आप भी शामिल हैं? तो यह देखिए यह बातें हैं, ठीक है। तो चंग खान जो शब्द है यह गर्व करने का वाला विषय नहीं है, अरबियों के लिए, तुर्कियों के लिए, फारसियों के लिए, ईरानियों के लिए, इराकियों के लिए, दरअसल वो दास्ता सर दरअसल उस दास्ता का प्रतीक है, उस आतंक का प्रतीक है और उस शोषण का प्रतीक है, ठीक है, कि वह सब लोग चंगेज खान की उस उपाधि को धारण कर लिए हैं, ठीक है। तो यह मंगोलों का यह खान शब्द है, तुर्कियों, फारसियों, अरबियों का नहीं है, ठीक है। मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान, मंगोलों का विश्व इतिहास में स्थान क्या है? मंगोलों के लिए चंगेज खान एक महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया, मंगोलों को संगठित करने का काम किया, चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई। दरअसल बात यह है कि चीनी लोग जो थे ना शुरुआत में किस पर कब्जा किए थे? मंगोलों पर कब्जा किए थे, मंगोलों का शोषण किए थे चीनी लोग। लेकिन चंगेज खान ने क्या किया, चीनियों के शोषण से मंगोल लोगों को मुक्ति दिलाया। अब मंगोल जो सरदार, मंगोल जो कबीले, अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे, उनको संगठित किया और चीनियों के शोषण से मुक्ति दिलाई। और वो चंगेज खान वह पहला शासक था जिसने चीन की दीवार को भेद करके बीजिंग पर आक्रमण किया और चीन के बड़े बड़े शहरों पर जाकर राज किया, शहरों पर आक्रमण किया, वहां खून खून खच्चर फैलाया, वहां लूटमार किया, ठीक है। आज तो चीन के आगे कोई औकात नहीं है मंगोलिया की, यार एकदम समझिए कुछ नहीं है। मंगोलिया 1 है तो चीन 11 का 101 है, ठीक है। तो यह था इसकी, ठीक है। तो मंगोलों के लिए चंगेज खान एक महान शासक था। उसने मंगोलों को संगठित किया, चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई, पार महाद्वीपी साम्राज्य बनाया, मतलब महाद्वीप के पार उसने मंगोल साम्राज्य बनाया, व्यापार के रास्ते और बाजार को पुनर्स्थापित किया। इसका शासन बहुजातीय, बहुभाषी, बहुधार्मिक, तो मंगोलों का जो शासन था बहुजाति था, बहुभाषी था, बहुधार्मिक था। जब यह करोड़ों वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर इनका साम्राज्य फैला हुआ था तो बहुत सारी जातियां, बहुत सारी भाषा के लोग और बहुत सारी धार्मिक मान्यताओं के लोग भी शामिल थे इनकी प्रजा में, ठीक है। अब मंगोलिया एक स्वतंत्र राष्ट्र है, अब इस समय मंगोलिया क्या है, स्वतंत्र राष्ट्र है। और चंगेज खान एक महान राष्ट्र नायक के रूप में वहां पर माना जाता है, महान राष्ट्र नायक माना जाता है चंगेज खान, ठीक है। मंगोलिया की करेंसी पर चंगेज खान का फोटो लगा रहता है, जिस तरह से हमारे देश में महात्मा गांधी का फोटो लगा रहता है करेंसी पर, उसी तरह से मंगोलिया की करेंसी में चंगेज खान का फोटो लगा रहता है, ठीक है। इसको लोग, वहां के लोग इसको बर्बर नहीं मानते हैं, ये मानते हैं कि हमारे देश का कोई पूर्वज था जो पूरे विश्व पर विश्व को जीता था, पूरे विश्व को आतंकित कर दिया था, और बड़े बड़े राजे महाराजे जो बड़े बड़े लोग थे
वो उसके आगे पानी भरते थे। चंगेज खान एक सैनिक के रूप में, अच्छा चंगेज खान का शुरुआती समय आप लोगों को बता दूं, शुरुआती कहानी क्या है चंगेज खान की। चंगेज खान शुरुआत में एक कुशल घुड़सवार सेना था, उस कुशल घुड़सवार सैनिक था। दरअसल चंगेज खान ही नहीं, हर मंगोल एक कुशल घुड़सवार था, ठीक है। फिर देखिए तीरंदाजी का अद्भुत कौशल, मंगोल की सेना में जैसे चंगेज खान जो था वह तीरंदाजी का अद्भुत कौशल रखता था और सभी मंगोल तीरंदाजी के अद्भुत कौशल से लैस थे, ठीक है। मौसम की जानकारी, चंगेज खान को मौसम की जानकारी भी होती थी। दरअसल ये चरवाहे लोग थे, इनको ये खानाबदोश लोग थे, ये जगह जगह घूमते थे तो उनको पता रहता था कि कब जाड़ा आने वाला है, कब गर्मी आने वाला है, कब बरसात होने वाला है। तो मौसम के अनुसार ये अपना प्रवास करते थे, मौसम के अनुसार यह आक्रमण करते थे, आतंक फैलाते थे। तो मौसम की जानकारी यह मतलब कि मंगोलों को थी, ठीक है। घेराबंदी की नीति, ये घेराबंदी की नीति क्या है, दरअसल यही तुगलमा नीति है भाई, तुगलमा नीति यही है। प्रश्न आता है परीक्षा में कि मुगलों में एक बाबर था, ठीक है, बाबर ने तुगलमा नीति किससे सीखी थी, तो मंगोलों से सीखी थी। यह प्रश्न आप लोग जानते हैं कि बाबर ने तुगलमा नीति, जिसकी वजह से उसने पानीपत का प्रथम युद्ध जीता था बाबर ने, तो उसने यह नीति किससे सीखी थी, उसने इस नीत को चंगेज खान से जीता था। और चंगेज खान ने सिखाया कैसे था भाई, अफगानिस्तान पर आक्रमण करके उसकी इज्जत उतार कर सिखा दिया था हम लोगों को, ठीक है। और बाद में यही लोग खान की उपाधि धारण, खान नाम अपने सरनेम में लगाने लगे, यही सब है। तो देखिए चंगेज खान मौसम की जानकारी रखता था, तीरंदाजी का अद्भुत कौशल था, कुशल घुड़सवार सैनिक था और घेराबंदी की नीति मतलब तुगलमा युद्ध नीति को भी जानता था। निफ्ता बमबारी की शुरुआत भी चंगेज खान ने की थी, हल्के चल उपस्करों का निर्माण किया था। दरअसल चंगेज खान जो था या मंगोल जो लोग थे वह हल्के उपकरण का इस्तेमाल करते थे, ठीक है, जिसको कैरी करने में भी अच्छा रहे। और जब वह उस फेंकना, जैसे मान लीजिए हल्के हल्के भाले का, तीर का, धनुष का, जो भी हथियार होते थे मंगोलों के वह हल्के होते थे, ठीक है, ताकि उसको दूर तक फेंका जा सके और उसको अच्छे से ढोया जा सके, ठीक है, और वह मारने में काफी कुशल हो। तो चंगेज खान एक सैनिक के रूप में ऐसे विख्यात था। चंगेज खान के वंशजों की सैनिक उपलब्धियां क्या है, चंगेज खान के जो वंशज थे मतलब चंगेज खान के बाद, ठीक है, उनकी सैनिक उपलब्धियां क्या है। तो मंगोल शासकों ने सब जातियों सब धर्मों के लोगों को, मंगोल जो शासक थे वो सब जातियों, थोड़ा चेंज कर लूं, मंगोल शासकों ने सब जातियों और सब धर्मों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासकों, देखिए मंगोल जो शासक थे वह सभी धर्मों को और सभी जातियों के लोगों को अपने यहाँ प्रशासक भी नियुक्त किए थे, हथियारबंद सैन्य दल के रूप में भी भर्ती किया था, मतलब उनकी सेना में प्रशासक और सैनिक अन्य जाति के लोग भी थे। उनका जो शासन था बहुजाति बहुभाषी और बहुधार्मिक भी था, ठीक है। साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा की पूर्ति के लिए अनेक समुदायों में बटे हुए लोगों को का एक प्रसंग बनाया गया। तो साम्राज्य निर्माण की महत्वाकांक्षा के लिए जो मंगोल जो लोग थे अलग अलग कबीलों में बटे हुए थे उनको उनका एक परिसंघ भी बनाया गया, एक संगठन बनाया गया, एक यूनियन बनाया गया उनका, ठीक है। अंततः मंगोल साम्राज्य भिन्न भिन्न वातावरण में परिवर्तित हो गया, तथापि मंगोल साम्राज्य के संस्थापक की प्रेरणा एक प्रभावशाली शक्ति बनी थी, ठीक है। चंगेज खान की महान उपलब्धियां, यह जो आपको इमेज देख रहे हैं यह जो है चंगेज खान है। दरअसल एक फिल्मी चंगेज खान है, एक चंगेज खान पर एक फिल्म बनी थी, मूवी बनी थी, ठीक है, हॉलीवुड की। तो उसमें चंगेज खान के एक पात्र को दिखाया गया है, दरअसल इसका चेहरा भी देख सकते हैं, यह चंगेज खान की तरह इसका चेहरा भी मिल रहा है, ठीक है। मंगोलों के लिए चंगेज खान अब तक का सबसे महान शासक था जिसका निम्नलिखित उपलब्धियां हैं, ठीक है। उसने मंगोलों को संगठित किया, देखिए सबसे पहला काम चंगेज खान ने क्या किया था, उसने मंगोलों को संगठित किया था, ठीक है, भिन्न भिन्न कबीलों में जो मंगोल बटे हुए थे उनको संगठन, उनको एक संगठन देने का काम चंगेज खान ने किया था। लंबे समय से चली आ रही कबीलाई लड़ाइयों को समाप्त किया तथा चीनियों द्वारा शोषण से मुक्ति दिलाई। तो उसने कई काम किए, उसने मंगोलों को संगठित किया था, उनके आपसी झगड़े आपसी मनमुटाव को खत्म किया था, और चीनियों द्वारा चीनी लोगों के द्वारा जो शोषण हो रही थी मंगोलों को, मंगोलों की, उससे मुक्ति दिलाने का भी प्रयत्न चंगेज खान ने किया था। साथ ही उसने उन्हें समृद्ध बनाया, और मंगोल जो कबीले थे, मंगोल जो सैनिक थे उनको भी समृद्ध बनाने का काम किया। भाई लूट मार वह करेंगे एक जगह से दूसरी जगह, तो बहुत सारा धन उनके हत्थे चढ़ा, ठीक है। तो साथ ही उसने उन्हें समृद्ध बनाया और एक शानदार पार महाद्वीपी साम्राज्य का निर्माण किया, एक शानदार
पार महाद्वीपीय साम्राज्य का निर्माण किया। ठीक है, उसने व्यापार के रास्तों बाजारों को पुनर्स्थापित किया, व्यापार के रास्तों और बाजारों को पुनर्स्थापित किया था जिनसे वेनिस के मार्को पोलो की तरह दूर के यात्री भी आकृष्ट हुए थे। तो उसने एक अनेक बाजार भी स्थापित किए थे चंगेज खान ने, जिससे दूर दूर के जो यात्री थे वह भी उससे आकृष्ट हुए थे। चंगेज खान के इन परस्पर विरोधी चित्रों का कारण एकमात्र परिपेक्ष की भिन्नता नहीं बल्कि ये विचार कि हमें यह सोचने पर मजबूर करते हैं कि किस तरह से एक प्रभावशाली दृष्टिकोण अन्य को पूरी तरह से मिटा देता है। मतलब कि चंगेज खान की का जो दृष्टिकोण था थोड़ा प्रभावशाली था। ठीक है, तैमूर और चंगेज खान के वंश में क्या संबंध है? देखिए, तैमूर की बात है मैंने क्यों कही है, क्योंकि मुगल जो थे ना, मुगल जो थे अपने आप को तैमूर का वंशज मानते थे, अपने आप को तैमूर का वंशज मानते थे मुगल। ठीक है, जबकि मुगल जो लोग थे वह तैमूर के साथ ही साथ वह चंगेज खान के भी वंशज थे, लेकिन वह चंगेज खान को अपना वंशज नहीं मानते थे मुगल, क्योंकि चंगेज खान जो था वह रक्त पिपासु था और उसने उन लोगों के, और उसने क्या किया था, उसने अफगानिस्तान पर या फिर उनके वंश में या उनके धर्म में बहुत सारा आक्रमण करके रक्तपात मचाया था। ठीक है, इससे इसलिए वह मुगल जो थे चंगेज खान से घृणा करते थे, जबकि चंगेज खान भी उनकी वंशावली से ही संबंधित है। ठीक है, मतलब बाबर ने, मुगल शासक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर ने अपने बाबरनामा में लिखा है कि वह तैमूर के चौथी पीढ़ी पिता की पक्ष से वह तैमूर के चौथी पीढ़ी और माँ की पक्ष से वह चंगेज खान की चौदहवीं पीढ़ी है। ठीक है, मतलब चंगेज खान की चौदहवीं पीढ़ी माँ के पक्ष से और तैमूर की चौथी पीढ़ी पिता के पक्ष से मुगलों की थी। ठीक है, तो देखिए 14वीं सदी के अंत में एक अन्य राजा तैमूर जो विश्वव्यापी राज की आकांक्षा रखता था ने अपने को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया। देखिए चंगेज खान का इतना बड़ा पावर था कि चंगेज खान ने पूरे विश्व को जीता था, तो उसके बाद किसी को मतलब कि किसी की हिम्मत नहीं हो रही थी कि वह पूरे मतलब कि वह फिर से राज्य विस्तार करे। तो एक शासक था चंगेज खान तैमूरलंग, इसका पूरा नाम था तैमूरलंग। तो तैमूरलंग ने यह घोषणा की कि वह चंगेज खानी परिवार का मतलब चंगेज खानी परिवार का दामाद है, और चंगेज खानी परिवार का दामाद की घोषणा करते हुए इसने पूरे विश्व को जीतने का निश्चय किया और यह अपने आप को राजा माना। ठीक है, चंगेज खानी परिवार का दामाद के रूप में प्रस्तुत किया और वह अपने आप को राजा माना तैमूरलंग। और 1398 में, लगभग 1398 में तैमूरलंग ने भारत पर आक्रमण किया था, दिल्ली पर आक्रमण किया था। तो देखिए 14वीं सदी के अंत में एक अन्य राजा तैमूर जो एक विश्वव्यापी राज की आकांक्षा रखता था अपने को राजा घोषित करने में संकोच का अनुभव किया, क्योंकि वह चंगेज खान का वंशज नहीं था। जब उसने अपनी स्वतंत्र संप्रभुता की घोषणा की तो अपने को चंगेज खानी परिवार के दामाद के रूप में प्रस्तुत किया। तो जब वह अपने आप को राजा बनाया, अपने आप को राजा घोषित किया, तो वह यह कहा कि मैं चंगेज खानी परिवार का दामाद हूँ, मतलब चंगेज खान के वंशजों में उनके परिवार का मैं दामाद हूँ। यह बात है तैमूरलंग ने कही और इस तरह से वह अपने संप्रभुता की घोषणा किया। ठीक है तैमूरलंग, लंग का मतलब लंगड़ा होता है, तो एक तरह से यह भी है कि तैमूरलंग जो था वह लंगड़ा शासक था, लेकिन उसने दिल्ली पर आक्रमण करके इसने भी भीषण रक्तपात मचाने का काम किया। अब हम कुछ अलग टॉपिक पर चल रहे हैं, यास क्या है। विधि संहिता जानते हैं आप लोग ना, लॉ जानते हैं ना, विधि संहिता कहा जाएगा। ठीक है, यास जो है यह आपका विधि संहिता है, मतलब मंगोल जो थे वह कानून को यास कहते थे, यही समझ लीजिए। यास का मतलब क्या होता है, कानून। ठीक है, ऐसे समझ लीजिए आप लोग। ठीक है, मंगोल जो थे वह कानून को क्या कहते थे, यास कहते थे, यानी विधि संहिता। तो देखिए, जैसे मान लीजिए यह जो आपको ये आपको जो दिख रहा है दरअसल ये क्या है, यह आपका यास है। ठीक है, यह यास है मतलब विधि संहिता है, नियम है, मतलब संविधान है, ये बात आप जाना। तो मंगोलों का जो संविधान था, मंगोलों की जो विधि संहिता थी उसे यास कहा गया है। तो देखिए, यास को प्रारंभिक स्वरूप में यशाक लिखा जाता था। यास को क्या लिखा जाता था, प्रारंभिक रूप में यशाक, में शुरुआत में इसे यशाक कहा जाता था। ठीक है, इसे चंगेज खान ने 1206 में कुरुलताई में लागू किया। अब देखिए 1206 में यास लागू किया गया था, यास कहाँ लागू किया गया था, कुरिलताई में, कुरिलताई या मंगोलिया का ही भाग है कुरिलताई, कुरिलताई में यास को लागू किया गया था, मतलब संविधान को लागू किया गया था, कब, 1206 में। ठीक है, इसका अर्थ होता है विधि, आज्ञाप्ति या आदेश।
इसमें प्रशासनिक विनियमन है, जैसे अभी संविधान, इसका संविधान को ही यास कहा जाता है। इसमें क्या क्या नियम था, इसमें आखेट का नियम, सैन्य का नियम और डाक प्रणाली का संगठन, ये सब जो भी उनका शासन प्रबंध था वह यास में था। ठीक है, और 1206 में यास लागू किया गया था, कहां पर, कुरुलताई में लागू किया गया था। मंगोलों के शासन में यास की क्या भूमिका थी, अब ये जो यास है, ये जो संविधान है, इसकी क्या भूमिका थी मंगोलों के शासन प्रबंध में। मंगोलों के शासन प्रबंध में यास की क्या भूमिका थी देख लेते हैं। देखिए, यास को प्रारंभिक स्वरूप में यसार यह लिखा जाता था, जिसे चंगेज खान ने 1206 में कुरुलताई में लागू किया। इसका अर्थ क्या होता है, विधि, आज्ञाप्ति या आदेश। देखिए, 1499 रुपए का कोर्स है, जो भी लोग इस सीरीज को लेना चाहते हैं वह ले सकते हैं। हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है, आप मैसेज कर सकते हैं। पूरा बीपीएससी पीजीटी टीजीटी हिस्ट्री जूनियर इस सबकी तैयारी कराई जाएगी, टीआरई 3.0 का भी और टीआरई 4.0 का भी, पूरा 1 ईयर सबमिशन के साथ केबीएस एनबीएस जेएसएससी की पूरी तैयारी कराऊंगा, जबरदस्त नोट्स भी दूंगा, पीपीटी नोट्स भी दूंगा, टेस्ट सीरीज भी दूंगा। ठीक है, तो जो भी लोग ज्वाइन करना चाहते हैं हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं, हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर डिस्क्रिप्शन में है। ठीक है, और यहाँ पर भी शो हो रहा है, शुरुआत में भी आप लोगों को बताया हूँ, यहाँ पर बता रहे हो, यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है 8318397276, आप मैसेज आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, देखिए, यास जो है प्रारंभिक स्वरूप में यसाक लिखा जाता था, यसाक कहा जाता था, जिसे चंगेज खान ने 1206 में कुरुलताई में लागू किया, जिसका मतलब होता है अर्थ, विधि या आज्ञाप्ति या आदेश। ठीक है, इसमें कैसे नियम थे, आखेट के नियम थे, सैन्य के नियम थे और डाक प्रणाली के संगठन का नियम था। ठीक है, अर्थ में परिवर्तन के कारण 13वीं सदी के मध्य तक मंगोलों द्वारा यह इसे स्वीकृति दी गई, एकीकृत किया गया और विशाल साम्राज्य का निर्माण किया गया था। इसके द्वारा जटिल शहरी समाजों पर शासन पर संख्यात्मक रूप से अल्पसंख्यक देखिए यही बात है कि जैसे जब मंगोल जो थे वह शासन किस पर किए थे, जटिल समाज पर शासन किए थे, और यह संख्यात्मक रूप से क्या थे, अल्पसंख्यक थे। ठीक है, अपनी पहचान व विशिष्टता की रक्षा के लिए, अब देखिए वह जहां शासन कर रहे हैं वहां अल्पसंख्यक हैं, तो यह भी है कि उनकी संस्कृति, उनकी सभ्यता जो है कहीं खत्म न हो जाए, इसके लिए उन्होंने यास बनाया था। तो अपनी पहचान और विशिष्टता की रक्षा के लिए यास के पवित्र नियम की आविष्कार का दावा किया गया था। यास को अपने पूर्वज चंगेज खान की विधि संहिता कहकर प्रजा पर लागू भी करवाया गया। यास में समान आस्था रखने वाले मंगोलों को शहीद किया गया, जो यास में समान आस्था रखते थे उनको संगठित करने का प्रयत्न किया गया, शहीद किया गया, और चंगेज व उनके वंशजों की मंगोलों से निकटता स्वीकृत की गई। ठीक है, यास से वंशजों की कबीलाई पहचान भी बरकरार हो गई। ठीक है, प्रारित लोगों पर यह नियम लागू करने पर आत्मविश्वास फैला। मंगोल साम्राज्य का पतन कैसे हुआ, कुछ महत्वपूर्ण कारण देख लेते हैं। उनकी संख्या बहुत कम थी, देखिए थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। देखिए, मंगोलों के पतन के मौलिक कारण क्या थे, उनकी संख्या बहुत कम थी और वो अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे। तो देखिए, उनका पतन का यह भी कारण है कि उनकी संख्या जो थी कम थी, ठीक है, और वह अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे, वह पूरी तरह से असभ्य लोग थे, और वह जहाँ आक्रमण किए थे वह खानाबदोश लोग थे, जंगली लोग थे मंगोल, जबकि वह आक्रमण जो जहाँ किए थे, जहाँ कब्जा किए थे, वो सभी लोग शहर के लोग थे, वह सभ्य लोग थे। ठीक है, वहाँ कला संस्कृति विज्ञान आदि था। ठीक है, और यहाँ पर तो ये बर्बर खानाबदोश लोग थे, तो उनकी संख्या भी कम थी और वो अपनी प्रजा की अपेक्षा कम थे। ठीक है, यह मंगोलों के पतन का पहला कारण। ठीक है, फिर वो आपसी विरोध भी मंगोलों में खूब बढ़ गया था, आपसी विरोध होता था, और अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में भी वह मिला दिए थे। ठीक है, मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों को भी अपनाया गया, मंगोलों द्वारा बाद में इस्लाम को अपनाया गया, कुछ लोग क्रिश्चियन भी बन गए। ठीक है, तो ज्यादातर लोग इस्लाम बने। मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों को भी अपनाया गया था, जैसे अलाउद्दीन खिलजी के समय में लगभग 20,000 मुसलमान दिल्ली में बसाए गए थे, और उनको नौ मुसलमान कहा गया था। अलाउद्दीन खिलजी के समय में 20,000 जो मंगोल थे वो मुसलमान बने थे, जिनको दिल्ली में बचाने का काम हुआ था। तो यह सब क्या है, यह पतन ही है। जब धर्म परिवर्तन हो जाएगा तो पतन होगा, संख्या कम थी,
ठीक है, इसकी वजह से भी वह अपना पतन कर लिए। 13वीं सदी के पूर्वार्ध में युद्धों से हानियां, 13वीं सदी के पूर्वार्ध में जो युद्ध हुए थे उससे भी हानियां हुई थी। इन युद्धों से अनेक नगर नष्ट कर दिए गए। अब बताइए चंगेज खान या जो जो भी मंगोल लोग आक्रमण किए उससे अनेक नगर नष्ट किए गए, जैसा कि हमने बताया था ईरान की राजधानी, ईरान का बुखारा, बुखारा समरकंद, ठीक है, फिर चीन के भी कई सारे शहरों पर मंगोलों ने आक्रमण किया था, उत्पात मचाया था। इससे क्या हुआ, इससे कई हानियां, बहुत सारी हानियां भी हुई, कृषि भूमि को हानि हुई, ठीक है, और व्यापार भी चौपट हो गया, ठीक है, दस्तकारी वस्तुओं का भी उत्पादन व्यवस्था अस्त व्यस्त हो गई थी। दस्तकारी वस्तुओं की उत्पादन व्यवस्था भी अस्त व्यस्त हो गई थी। सैकड़ों हजारों लोग मारे गए और उससे कहीं अधिक लोग दास भी बना लिए गए। वह लोग दास भी बना लेते थे, उनकी बेटियों को पत्नियों को उठा भी ले जाते थे। संभ्रांत लोगों से लेकर कृषक वर्ग तक समस्त लोगों को बहुत कष्टों का भी सामना करना पड़ा, ठीक है। तो भाई 13वीं सदी में जो मंगोलों का जो आक्रमण हुआ उससे अपार जनधन की हानि हुई, इसको तो आप शब्दों में बयान कर ही नहीं सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं मंगोलों का जो नगर विध्वंस है उसका एक रूपरेखा, उसका एक चित्र आप लोगों को दिखा रहा हूँ। यह देख सकते हैं मंगोलों का आक्रमण कितना भयावह था, ठीक है, और फिर यह देख सकते हैं आप लोग, यह इनका पूरा चित्र भी आप लोगों के सामने है, तो ये आप लोग देख सकते हैं फिगर में, ठीक है। मंगोलों के पतन का मूल कारण क्या था, उनकी संख्या कम थी और वह अपनी प्रजा की अपेक्षा कम सभ्य थे, ठीक है, आपसी विरोध था और अपनी सभ्यता को विजित देशों की सभ्यता में मिला लिए थे। दरअसल मंगोल जो थे वह इतने बड़े भूभाग पर आक्रमण किए थे और इतने बड़े भूभाग को जीते थे, तो वह अपनी सभ्यता को कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत भूल भी चुके थे, अपनी संस्कृति को भूल चुके थे। जब भिन्न संस्कृति के लोग दूसरी संस्कृति में आते हैं तो पर संस्कृति ग्रहण की सिद्धांत लागू हो जाता है, मतलब एक जगह से लोग जब दूसरी जगह में जाएंगे चाहे उसके शत्रु हों या मित्र हों वह दूसरी संस्कृतियों से सीखते हैं, ठीक है। तो मंगोलों के पतन इसलिए भी हुआ तो वह विजित देशों की सभ्यता में अपनी सभ्यता को मिला लिया, ठीक है। मंगोलों द्वारा अन्य धर्मों को भी अपनाया गया जिससे उनका जो मूल धर्म था वह कहीं ना कहीं उसका अस्तित्व भी संकट में आ गया, ठीक है। मित्रों वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन करेगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जाइएगा, NCERT हिस्ट्री, BPSC PGT हिस्ट्री लेक्चर्स वीडियो के नाम से प्ले लिस्ट बनी हुई है, जाइएगा देखिएगा। और यह जो पूरा कोर्स है वो 1499 रुपये का कम्प्लीट कोर्स है, आप लोग इसे ले सकते हैं, जो भी लोग लेना चाहें या लोग दे सकते हैं, इतना बढ़िया बेहतरीन PPT नोट्स है और इसमें से एक प्रश्न आप लोग का इधर उधर नहीं आने वाला है। और इसी तरह की सारी कक्षा 11 से लेकर 12 तक की पूरा नोट्स मैं आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा, जो भी लोग लेना चाहें आप लोग को उपलब्ध करा दूंगा, केवल 1499 रुपये का कोर्स है। और सिर्फ 11-12 ही नहीं, मैं कक्षा 6 से लेकर 12 तक की पूरा का पूरा नोट्स दे दूंगा आप लोग को, ठीक है, और आपकी पूरी तैयारी हो जाएगी। तो 1499 रुपये का कोर्स है, जो भी लोग ज्वाइन करना चाहें ज्वाइन कर सकते हैं, ठीक है। यह हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है, दे सकते हैं 8318397200। धन्यवाद आप लोग।